Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to do competency based questions of chapter 3. Chapter 3, pair of linear equation into variable. Class 10th mathematics ke chapter ko hum karne ja rahe hain. What's the new in this channel? I want to tell you that we have given the updated जो भी हमारा अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई की तरफ से उसके अकॉर्डिंग ही हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स को सेट किया है. इन सभी चैप्टर्स में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी. आपको मिलेगा एनसीईआरटी, आपको मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एग्जाम्पलर के साथ साथ हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे. एक वीडियो दो वीडियो उसके ऊपर होगी, बट वी हैव गिवन आई थिंक मोर देन 20 वीडियो दैट इज ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हर चैप्टर के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ताकि जब भी आप चैप्टर को कंप्लीट करो उसके बाद यू कैन टेक द आइडिया दैट हाउ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर देयर, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अब आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मिलेंगे. सो हेयर यू कैन फाइंड एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. Then we have here short question answer, we have long question answer. एक अलग से सीरीज बनेगी assertion reason की. Assertion reason के question जो बहुत मुश्किल होते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा problem यहीं पर आती है. और एक चीज़ मैं mention करना चाहूँगी कि अगर आप observe करें मार्च 2023 का exam, उसमें competency based questions जो थे उनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई था, है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे. सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एनी एग्ज़ाम तो आप कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ना छोड़ें. अगर आप देखें कि जो आपके पीटी के सिलेबस है, पीटी के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें, या आपके जो भी आपके टर्म वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं उनमें चेक करें, तो बेटा केस स्टडी क्वेश्चंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं. हमारे को ये नहीं पता चल रहा कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है, राइट. So for this, we have given 5 to 6 videos on this competency based questions only. चाहते तो हम भी एक या दो वीडियो में काम करते, बट हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करके जितने भी पॉसिबल हो सकते थे सारे क्वेश्चंस लिए हैं. सो हेयर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक. हेयर द क्वेश्चन नंबर 158 मीन्स आप खुद सोचो कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो 157 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है. सो हियर 158 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज लग्जरी क्रूज एज इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज लाइनर एंग्रिया हैज मेड मैनी वेजेस ऑन द मुंबई कोस्ट सी रूट अलोंग द प्रिस्टाइन कोंकण कोस्ट. इट हैज़ गिवन इंडिया एंड इंडियंस अ सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस वाइल इंट्रोड्यूसिंग द ट्रैवलर्स टू कोरल डाइवर्सिटी एंड रॉयल सी फोर्स अलोंग द सी. सो लास्ट ईयर वी इंजॉयड आर समर वेकेशंस एट एंगेरिया क्रूज. ये देखो ये कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, जो काम की इन्फॉर्मेशन है दैट स्टार्टेड नाउ फ्रॉम मुंबई टू गोवा. क्या कहता है ये, मुंबई टू गोवा. यहाँ से ये लिख देते हैं मुंबई टू गोवा, ठीक है, ये दे दिया. विद द करंट द ट्रिप टुक, करंट मीन्स देखो जैसे ये है वाटर, ठीक है, और ये हम शिप की कंसिडर करते हैं, शिप है ना. तो क्या कहता है ये कि वाटर की जो स्पीड है दैट इज हियर जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग गिवन है. विद द करंट द ट्रिप टुक, अगर वाटर के साथ शिप मूव कर रही है तो इट टुक कितना 70 घंटे लगे. आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ फन इन द सन द शिप लीव्स फॉर मुंबई अगेंस्ट द करंट. अब उसके बाद आप सोचो यहाँ से पानी जा रहा है, इधर से शिप जा रही है, पानी इधर जा रहा है और शिप क्या करेगी, वापस जाएगी तो करंट के अपोजिट, और करंट के अपोजिट चलने पर उसको कितना मिला, 82 आवर्स. कितने लगे, 82 आवर्स, ठीक है. तो बेटा सबसे पहले आपको कंसिडर करना है क्या स्टेटमेंट में स्पीड को क्या मान लेते हैं, एक तो करंट के लिए और दूसरा स्पीड ऑफ अ शिप. सो लेट सी मान लेते हैं स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, जो भी पानी की स्पीड है उसको क्या मान लेते हैं आप, सी. एस मान लेते हैं स्पीड ऑफ शिप की स्पीड मान ली. अब आप बताओ ट्रिप टू गोवा में आपने कहा सेम डायरेक्शन, देखो ये भी इसी डायरेक्शन में, शिप भी और वाटर भी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी.
एंड देन स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा 70 आर, दिस इज इक्वल टू, देखो स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्टेंस के इक्वल होता है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन हेयर 1435, ठीक है राइट, ठीक है 1435 ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये आ गया। तो यहाँ से आपके पास है, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 35 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2s प्लस में 2c इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 41। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट राइट। नाउ रिटर्न टू मुंबई, मुंबई से मुंबई वापस जा रहे हैं, वापस जाएंगे तो हम अगेंस्ट द स्पीड चल रहे हैं, तो अगेंस्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, शिप माइनस सी। अब देखो शिप की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो वो जा पाएगा, ठीक है। देन हेयर वी हैव टाइम इक्वल टू 82 और टोटल जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 1432 35। ये हिंट में दिया था, मैं यहाँ कॉपी करना भूल गई, ठीक है तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ से फिर डिवाइड करते हैं 41 से, इट्स 2s माइनस में 2c इज इक्वल टू कितना आएगा 35, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 2s प्लस 2c किसके इक्वल है बेटा 41, 2s माइनस में 2c किसके इक्वल है 35, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, 4s की वैल्यू आ गई आपकी 76, s की वैल्यू आ गई 46 बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 19, ठीक है राइट। नाउ हियर पुट इन एनी, किसी भी एक मिनट पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2s प्लस 2c किसके इक्वल है 41, 2s की वैल्यू 19 प्लस में 2c इज इक्वल टू कितना आएगा 41, यह आएगा 38 प्लस 2c किसके इक्वल 41, 2c इज इक्वल टू 41 माइनस 38, 2c इज इक्वल टू कितना आएगा 41 में से 38 गया 3, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब c, तो c की वैल्यू कितनी है 1.5। फाइंड द क्रूसिंग स्पीड ऑफ द शिप, शिप की तो वो कितनी आई हमारी 19, ठीक है। होप सो यू कैन क्लियर इट, आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नाउ हियर कम टू नेक्स्ट, नाउ कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न द पॉइंट ड्यूरिंग ए फ्लाइट एट विच एन एयरक्राफ्ट इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू द एयरफील्ड, फ्रॉम विच इट टुक ऑफ ड्यू टू फ्यूल कंसिडरेशन, ठीक है ये दे रखा है। बियॉन्ड दिस पॉइंट द एयरक्राफ्ट मस्ट प्रोसीड टू सम अदर डेस्टिनेशन। सो हियर हाउ वी विल सॉल्व इट, ये हमारी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसी के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्लेन कैरीज इनफ फ्यूल फॉर 20 आवर्स ऑफ अ फ्लाइट एट एन एयर स्पीड ऑफ 150 माइल पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे मानेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं T1, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। लेट T1 represent the time taken in flight, ठीक है। Now T1 अगर टाइम है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। Now डिस्टेंस traveled in fly is 150 माइनस 30 इंटू T1, ठीक है। अब देखो हाउ फार इट कैन फ्लाई इंटू स्पीड ऑफ 30 मीट, जो भी ये गिवन है MPH में गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 150 माइल्स पर आर में दे रखी है फ्लाइट की, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू T1 आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका डिस्टेंस। क्यों बेटा, क्योंकि हम कहते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, होता है ना। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम के, राइट। नाउ हियर ये आ गया आपकी स्पीड, ये आ गई टाइम, ठीक है। सेम हियर यू कैन फाइंड आउट अनदर वन आल्सो। अब वापस अगर है
तो वापस आने में क्या होगा, टी टू मान लेते हैं, रिटर्न के टाइम पर टाइम है रिटर्न, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी बेटा। 150 में कितना ऐड करें, कितना ऐड करें, 30 इंटू कितना आ जाएगा टी टू। अब यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है ना, दोनों ही डिस्टेंस है, ये भी डी है और ये भी डी है, तो क्यों ना इनको इक्वल कर दे। इट्स 150 माइनस का 30 इज इक्वल टू 150 प्लस कितना हो जाएगा 30, ये हमारा है इंटू टी वन और ये हमारा है इंटू टी टू। ठीक है, लेट्स सॉल्व देम। इट्स हियर 120 टी वन इज इक्वल टू कितना 50, 150 प्लस 30 दैट इज 180 टी टू, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल, ये चला जाएगा 6 पे, 2t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3t2, t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 ऑफ t2 विच इज इक्वल टू 1.5 ऑफ t2 आ गया आपके पास। नाउ सिंस देयर इज इनफ फ्यूल फॉर टोटल फ्लाई ऑफ, कहता है इनफ फ्यूल है किसके लिए, 20 आवर्स के लिए, तो t1 प्लस t2 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। T1 की वैल्यू पुट करो, 1.5 T2 प्लस T2 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल, राइट। 2.5 T2 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। T2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2.5, पॉइंट हटाया जीरो ऊपर, ठीक है, किस पे जाएगा बेटा 8 आवर्स, कितना आ गया 8 आवर्स, कितने घंटे लगे 8 आवर्स। अब आप बताओ, हमें तो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन 8 आवर्स, 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था, तो दैट इज 150 इन रिटर्न ना, टू द रिटर्न टू स्टार्टिंग, रिटर्न टू स्टार्टिंग में 150 प्लस 30 है, इनटू कितना कर देंगे 8, दिस इज हियर 180 मल्टीप्लाई किस से, 8 से, यह आ जाएगा 1440 माइल्स, ठीक है, राइट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, राइट। नाउ हियर कम टू दिस नेक्स्ट वन, राइट, दिस इज हियर, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करो, देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। कंप्यूटिंग अ रिफंड, द ग्रोसरी स्टोर वी यूज डज नॉट मार्क प्राइस ऑन इट्स गुड्स, देखो रिफंड के बारे में है ये थोड़ा क्वेश्चन, मतलब परचेजिंग के बारे में है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोचते हैं क्या क्या दे रखा है। द ग्रोसरी स्टोर वी यूज डज नॉट मार्क प्राइसेस ऑन इट्स गुड्स, जो भी सामान रखा होता है उसके ऊपर प्राइस नहीं होता। माई वाइफ वेंट टू दिस स्टोर परचेज, क्या परचेज किया लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऐसे लिखने में ना आइडिया मिल जाता है क्या करना है। 3 1 kg package of almonds, right, and 2 500 gram package of cashew, total paid amount of 1345 total ये amount लगा, ठीक है। Not knowing that she went to the store, I also went to the same store, purchased, इन्होंने क्या परचेज किया, 2 1 kg पैकेज ऑफ almond प्लस 3 500 ग्राम ऑफ केशु एंड टोटल पेड अमाउंट ऑफ 1145, राइट। नाउ वी वॉन्ट टू रिटर्न, टू रिटर्न क्या करना है इनको, 2 1 kg पैकेज ऑफ एलमेंट, है ना, जो भी चीजें हैं उनको ध्यान से समझना है और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड 2 500 ग्राम ऑफ केशियो। तो अब पूछ लिया इसने, बताओ कितना अमाउंट रिफंड हुआ, ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर। नाउ हियर मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी दी, नंबर तो गिवन है, प्राइस मानना पड़ेगा,
प्राइस ऑफ एक्स है 1 kg पैकेज ऑफ एलमंड का, राइट, एंड वाई मान लेते हैं 1500 ग्राम पैकेज केश्यू, राइट. नाउ हाउ मच अमाउंट शी पेड, 1348. फर्स्ट केस लेते हैं, 3 kg क्या है एलमंड, तो 3x. 2 पैकेट क्या है केशू के, तो 2 × y, और टोटल अमाउंट हो गया 1345. सेम सेकंड केस, 2 पैकेट किसके हैं एलमंड के, तो 2x. 3 पैकेट किसके हैं केशू के, तो कितना आएगा 3y, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 1145, राइट. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे कर देते हैं 3 से, इसको कर देते हैं 2 से. तो 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 2 = 6y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4035, ठीक है. दूसरा 4x प्लस मीन 6y इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारा 0 0 9 9 2 2, ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल, 5x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, इट्स 1745. एक्स की वैल्यू आ गई 1745 डिवाइड बाय 5, 5 × 3 = 15 49. एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई 349. किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी एक वैल्यू में हम क्या करेंगे इसको सब्सटीट्यूट. तो कर रहे हैं फर्स्ट में 3x प्लस 2y कितना है 1345. 3 × 349 प्लस 3y इक्वल टू आ गया 1345. मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स कम्स इक्वल्स टू, सीधा ही कर देते हैं 9 + 3y = 1345, ठीक है. सब्ट्रैक्ट, 3y कम्स इक्वल्स टू 892. वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 149 आ गया. अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में पूछा कि उन्होंने कुछ रिटर्न किया है ना, तो वो रिटर्न अमाउंट हमें निकालना है. एक तरह से रिटर्न अमाउंट देखो क्या रिटर्न किया है, 2 kg एप्पल, तो 2x, 500 ग्राम केशू 2y, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2. एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 349 प्लस 2, वाई की वैल्यू कितनी है 149. तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, दैट कम्स इक्वल्स टू 8 आपका, ठीक है, इसको ऐड कर दो, इट्स 996, ये आंसर 996 रुपीस, राइट, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 166 पढ़ो क्वेश्चन को, समझो इसको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन. फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की गई है, क्या है ऊपर वाला डेटा आप अपने आप पढ़ना, नीचे वाला जो मेन जरूरी है मैं उसको पढ़ के बता देती हूँ. अ रिसेंटली रिटायर्ड कपल नीड दिस अमाउंट 1,20,000, एक रिटायर्ड कपल है उसको इतना अमाउंट चाहिए टू सप्लीमेंट देयर सोशल सिक्योरिटी, दे हैव रुपीज दिस टू इन्वेस्ट टू ऑब्टेन दिस इनकम. अब उनके पास इतना अमाउंट है, ठीक है. नाउ हियर they have decided to on two investment option, या तो दो investment option करेंगे, ये a bond yield 10% per annum and fixed deposit कितना है 5%, ठीक है. तो जो bond है उसके according देखो क्या question है. let x and y
विधि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड है ना, एक्स मान लेते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट किया एंड वाई विद अ फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, सिंस द अमाउंट कलेक्टेड दैट इज गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये अमाउंट है हमारे पास टोटल, ठीक है. नाउ हियर बॉन्ड का अकॉर्डिंग परसेंटेज गिवन है, तो पहले पे कितना है बेटा 10%, दूसरे पे कितना है 5% और टोटल कितना है 120. तो 10x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, ठीक है. सॉल्व कर दो, 2 ये कर देते हैं यहाँ पर, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2400, राइट. एक हमें पहले गिवन है x प्लस वाई दैट इज, इसको 15,000 थाउजेंड्स में गिवन है ना ये हमारे को, तो थाउजेंड्स के पर टू दिस, तो यहाँ से हमारे पास थाउजेंड्स में काउंट कर लेते हैं ना इनको. ये देखो जैसे मैंने इसको हटा दिया था थाउजेंड को, तो वैसे ही इसको भी हटा देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा 1500, ठीक है, 1500 के अकॉर्डिंग काउंट कर लेते हैं. तो ये 120 था हमारा, ये आ गया 2400, ये हमारा 1500, ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट देम, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया. एक्स की वैल्यू आपके पास 2400 में से 1500 गया 900, ठीक है. किसी एक वैल्यू को लो और किसी एक में पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो, नीचे वाले में, यहाँ कहीं पे भी. एक्स प्लस वाई इट्स 1500, ठीक है, बट वाई इतने साइड जीरो लगाने के, तो हमने इसको सिंपल सॉल्व किया. 900 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1500, वाई इज इक्वल टू आ गया 1500 माइनस कितना 900, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है हमारा 15 माइनस 9 दैट इज 600, ठीक है. वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, हमारे पास है एक्स की वैल्यू, हमारे पास है वाई की वैल्यू, ठीक है. अब आप देख सकते हो कि किस तरह से हम क्या करते हैं, परसेंटेज के बिहाव पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है. नाउ हियर एक्स इज गिवन, वाई इज गिवन, राइट. अब बताओ क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच टू रिलाइज एग्जैक्टली दिस, टू रिलीज एग्जैक्टली दिस, सो दिस इज अमाउंट, ठीक है. नाउ इन आफ्टर टू ईयर द कंपल रिक्वायर्ड दिस फॉर इनकम, नाउ हाउ मच, तो ये हमारा अलग अलग अमाउंट आ गया, ठीक है. यही हमें फाइंड आउट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं फाइंड आउट करना, सो दिस इज योर आंसर, राइट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 162 क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, कहता है एक्चुअल नंबर ऑफ कैलोरीज, मींस क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड द कैलोरीज, कैलोरीज से रिलेटेड है. क्या कहता है देखो, द रिसर्चर्स conclude that this number should be more. देखो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना, ठीक है, वैसे अगर पढ़ना चाहो तो देख लेते हैं. चलो, यूनिवर्सिटी ऑफ अर्कनास रिसर्चर्स डिस्कवर दैट वी अंडर एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैलोरीज इन द रेस्टोरेंट मील्स. नेक्स्ट टाइम यू ईट आउट टेक द नंबर ऑफ कैलोरीज यू थिंक यू ईट एंड डबल इट, ठीक है. द रिसर्चर्स कंक्लूड दैट दिस नंबर शुड बी अ मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, ये एक्यूरेट एस्टिमेट होगा. एक्चुअल नंबर ऑफ कैलोरी इन वन पोर्शन ऑफ हैमबर्गर एंड फ्राइज एंड टू पोर्शन ऑफ पिज्जा इज दिस, ठीक है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कैलोरीज इन वन पोर्शन ऑफ हैमबर्गर एंड फ्राइज B, X and Y, ठीक है, X मान लेते हैं, इसमें दोनों में क्या है X. अच्छा दूसरा एक और चीज गिवन है, पिज्जा में मान लेते हैं वो कितनी है Y, राइट. सो द एक्चुअल नंबर ऑफ कैलोरीज इन वन पोर्शन एंड टू दैट इज गिवन, इट इक्वल्स टू 4240, ये दे रखा है, तो चेक करो. X प्लस यहाँ से डबल कर देंगे इसको 2Y इक्वल टू 4240, बिल्कुल ठीक है.
नाउ नेक्स्ट, द एक्चुअल नंबर ऑफ कैलोरी इन टू पोर्शन ऑफ हैमबर्गर, अब कहते हैं टू पोर्शन ऑफ हैमबर्गर एंड वन पोर्शन ऑफ दिस, इट इज 3980, राइट? सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय टू, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस में 4y, दैट इज इक्वल टू 4 एंड इक्वल टू 0, यही बनेगा हमारा, ठीक है? नाउ कैलकुलेट दिस वन, इट्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 3980, सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसिल, 3y इक्वल टू इट्स 0 0 13 ना, कितना आएगा 14 माइनस 9 5 एंड दिस इज हियर 5 3 2 5 00 15 ना 15 00, जस्ट अ मिनट, 4 राइट? तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4500 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 1500, ठीक है? ये आपके पास आंसर आ गया, 1500 है बेटा, ध्यान से समझ, ठीक है? अब पुट इन एन इक्वेशन, 2x plus y is equal to 3980, 2x plus y की वैल्यू है 1500 is equal to 3980, राइट? नाउ 2x equal to 3980 minus 1500 कर दे, 2x is equal to किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा 2480, 2480, x की वैल्यू आ जाएगी 1240, ठीक है, 1240. क्वेश्चन बताओ, द एक्चुअल नंबर ऑफ कैलोरीज इन वन पोर्शन ऑफ हैमबर्गर एंड फ्राइज, तो ये हमने माना था x, तो आंसर आ गया 1240, ठीक है? नाउ फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ कैलोरीज इन वन पोर्शन ऑफ पिज्जा, तो पिज्जा में कितना बेटा 1500, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1500, ठीक है, राइट? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 163, क्लियर कीजिए इसको. क्वेश्चन क्या कहता है, प्री सेल ऑर्डर का क्वेश्चन है, अ वायरलेस स्टोर ओनर टेक्स प्री सेल ऑर्डर फॉर अ न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट, ऑर्डर लिया गया किस चीज के लिए, स्मार्टफोन के लिए और किसके लिए, टैबलेट के लिए, ठीक है? ही गेट्स 340 प्री ऑर्डर्स फॉर द स्मार्टफोन, देखो क्वेश्चन को जो जो बोल रहा है उसको लिखते जाते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, 340 ऑर्डर है किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए, ठीक है? दूसरा 250 प्री ऑर्डर्स हैं किसके लिए, टैबलेट्स के लिए, राइट? कंबाइन वैल्यू गिवन है, दिस इज गिवन हियर, ठीक है? नाउ द प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट इज गिवन, जो टोटल कॉस्ट है वो गिवन है, राइट? नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच डस स्मार्टफोन कॉस्ट, तो सबसे पहले मान लेते हैं बेटा स्मार्टफोन का ही प्राइस मानते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द प्राइस ऑफ, एक्स मान लिया स्मार्टफोन का है, ठीक है, एंड y मान लेते हैं किसका है, टैबलेट का है, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंबाइंड वैल्यू ऑफ 340 स्मार्टफोन और 250 टैबलेट की कंबाइंड वैल्यू यही है, तो इट इज हियर 340x, सो यहां से कंप्लीट है ना, नंबर भी गिवन है और ये भी है, चलो 340x प्लस कितना 250y कितके इक्वल है, टोटल कंबाइन वैल्यू, नाउ हियर टोटल नंबर्स भी गिवन है बेटा, तो x प्लस y भी गिवन है, ठीक है, राइट? वी नीड टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड कर दे, चलो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट्स 340x प्लस 250, y को लिख देते हैं यहाँ से 96500 माइनस का x, ये आएगा 2705000, राइट? सॉल्व करो, 340x
प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 241250। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, राइट। जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ करो, ये आ जाएगा हमारा 90x, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट कम्स हियर 2925000 कैंसिल, x की वैल्यू 9 से डिवाइड करते हैं, इट्स 3250। ठीक है, x की वैल्यू किसी एक जगह पुट करते हैं, यहाँ x है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, ये तो y इक्वल टू था हमारा 96500 माइनस ये आ जाएगा 3250, तो सब्ट्रैक्ट इट, वी गेट हियर 64000, ये आंसर आ गया 64000। तो बताओ जरा स्मार्टफोन की कॉस्ट क्या मानी थी हमने x, तो ये बना हमारा 32500 का। ठीक है, हमने माना था टैबलेट की कॉस्ट, दैट इज 64000। ठीक है, राइट। These questions are clear to you. You will revise these questions and get good marks. So keep doing hard work, बेटा जब तक मेहनत नहीं करते तब तक कुछ नहीं मिलता, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो लर्निंग हो। ठीक है, वी ऑल आर लर्निंग हियर, वी आर हेयर टू जस्ट गेट गुड मार्क्स। तो ये मत सोचो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप समझोगे नहीं कंसेप्ट को, तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट इज पावर, आई बिलीव इन इट एंड आई ऑलवेज प्रूव इट इन माई क्लासेज ऑल्सो, राइट। अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे श्योरली विल गेट गुड मार्क्स। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।